अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है ऑरेंज जूस। फ्रेश फ्रेश हम घर पे बना के इसे कुछ ही मिनटों में बना के तैयार कर लेंगे बहुत ही आसान के तरीके के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडेड जग ले लिया है। अब मैंने ये ऑरेंजेस लिए हैं, 7 ऑरेंजेस हैं जिसको मैंने कट करके इसके सीड्स जो इसके बीज हैं वो निकाल लिए थे। बहुत ही ईजी तरीके से ये निकल कर आ जाएंगे। अब हमने ऑरेंजेस को जो जिसके बीज हमने निकाल दिए थे हमने ब्लेंडर जग में डालना है। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून के करीब। अगर आपके ऑरेंजेस मीठे हैं तो शुगर मत ऐड कीजिएगा, मेरे खट्टे हैं तो मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूंगी, 1/4 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ जस्ट ब्लेंड करने के लिए। अब हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ये देखें जी, हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब हमने एक स्ट्रेनर लेना है और एक जग लेना है इस तरह, और अपने जो जूस हमने बना के तैयार किया था उसको स्ट्रेन कर लेना है। ये देखें जी, मैं थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और इसको चम्मच की मदद से स्ट्रेन करती जाऊंगी। ये देखें जी, इस तरह हमने स्ट्रेन कर लेना है और ये जो बच जाएगा इसको हमने फेंक देना है। इसी तरह से मैं अब अपना सारा जूस जो है वो स्ट्रेन कर लूंगी, अच्छी तरह से उसको छान लूंगी। ये देखें जी, हमारा जूस अच्छी तरह से छन चुका है, स्ट्रेन हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा फ्रेश फ्रेश बन के तैयार हो गया है। अब हमने इसको ग्लासों में सर्व करना है और हम मज़ेदार सा ये इंजॉय करेंगे। सर्दियों में ऑरेंजेस बहुत आम मिल जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और इस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं चलती हूँ, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।